सितारगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नवतेज पाल ने अपने समर्थकों के साथ नगर में घूमकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। साथ ही आने वाले 14 फरवरी को कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। बता दें, निर्वाचन आयोग द्वारा 21 जनवरी से 28 जनवरी तक नामांकन करने की तिथि घोषित की गई थी। वहीं सितारगंज विधानसभा सीट से 9 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भरे, वहीं जिसमें से एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। साथ ही 8 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं आज सितारगंज नगर में कांग्रेस प्रत्याशी नवतेज पाल ने डोर टू डोर अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया और कांग्रेस की नीतियों के बारे में जनता से अवगत कराया। आने वाले 14 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर मतदान करने की जनता से अपील की। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नवतेज पाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, सितारगंज विधानसभा की जनता बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से परेशान है। इस बार जनता बदलाव चाहती है और जनता कांग्रेस को मतदान करेगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। के तो बहुत आगे हैं, हम जीत के नज़दीक नहीं है, जीत चुके हैं। सितारगंज की जनता लड़ रही है लड़ाई, ये चुनाव सितारगंज की जनता लड़ रही, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ डोर टू डोर कर रहा हूँ। बहुत प्यार लोगों का मिल रहा है मुझे, जिस तरीके से लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उस तरीके से लगता है कि हम बहुत अधिक वोटों से जीतेंगे, एक तरफा जीत है। किन मुद्दों को लेकर आप देखिए, जनता के बीच मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सितारगंज का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि बहुत दिनों से सितारगंज के लोगों को लोकल प्रत्याशी की एक वो थी, डिमांड थी, और इस बार उनको लोकल प्रत्याशी यहाँ का अपना स्थानीय मिल गया। ये सबसे बड़ा यहाँ पे जो मुद्दा है वो है। देखिए, मुझे कहीं किसी से नुकसान नहीं हो रहा है। सितारगंज का जितना भी वोटर है, सितारगंज की सारी जनता एक हो चुकी है, सब ने अपना मन बना लिया कि स्थानीय को हमने जिताना है और कांग्रेस ही जीत रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार आ रही है, सब ने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस को विजयी बनाना है, लोकल के प्रत्याशी को विजय बनाना है, सितारगंज की जनता को जिताना है। सब एकजुट हैं और बाकी कोई है नहीं हमारे सामने टक्कर में। शक्ति फार्म भी पिछली बार जो आप सोच रहे हो ना कि बीजेपी वहाँ से जीती थी, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार शक्ति फार्म के लोग 5 सालों में जो उनको दुख दर्द मिला है, वो सारे लोग एकजुट हैं, और वो भी जैसे सितारगंज का क्षेत्र वैसा ही शक्ति फार्म क्षेत्र भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। आज मैं सुबह सुबह गया था, 3 गाँव घूम के आया मैं, अरविंद नगर, निर्मल नगर और राजनगर। इतना लोगों में उत्साह था जैसा उत्साह सितारगंज में, वैसा ही उत्साह वहाँ पे है। वहाँ भी एक तरफा कांग्रेस ही जीतेगी।